नमस्ते दोस्तों, स्वागत है क्लास एज में। आज आपका जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशिष्ट कोणों का मान निकालना है। कि आपने देखा होगा आपकी बुक में एक सारणी है त्रिकोणमिति में, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कुछ मान दे रखे हैं। साइन के अलग है, कोस के अलग है, टेन के अलग है, कोट के अलग है, सेक के अलग है, कोसेक के अलग है। तो बस वही मान है जो मैं आपको निकालना आज बताऊंगा। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि आप खुद बिना देखे सारणी को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आज आपको पहले वो सारणी बना लेता हूँ, ताकि क्या है कि आपको आसानी से समझ में आए। ये 0 डिग्री का, ये आपको 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, या 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। इसको इरेज कर देते हैं। या साइन, चलो मैं यहाँ पर ये थीटा कोण ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, या कोट थीटा, या सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। ये सारणी ऐसे है। अब इसमें इस जो ये सारणी है ना, अब इसको हमें फिलअप करना है। तो आपको पता है एक रुपये होता है, तो उस रुपये को हम किस किस में बांट सकते हैं। छोटे से छोटा क्या होगा, 0। अगर उससे बड़ा लें तब क्या होता है, पाव। उससे बड़ा आधा, उससे बड़ा 3 पाव, और उससे बड़ा एक। ये 0 से लगाकर 1 तक की ना, ये नॉर्मली सबको पता है कि 0 से लगाकर 1 तक के बीच में ये नॉर्मली संख्या है, पाव, आधा और 3 पाव, अर्थात 1/4, 1/2 और 3/4। अगर मुझे साइन का मान चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इन सब के ऊपर अंडर रूट लगा देता हूँ। इसके भी ऊपर रूट, इसके भी ऊपर रूट, इसके भी ऊपर रूट, और इसके भी। अब देखो, अब इनका मान क्या आएगा, अब 0 का अंडर रूट 0, 1/4 तो 1 का अंडर रूट 1, और 4 का 2, और फिर 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। 3 का क्या होगा, अंडर रूट 3, और 4 का 2, और 1 का अंडर रूट 1। मान क्या आया, 0, 1/2, फिर वापस 1/√2, फिर वापस √3/2, फिर वापस 1। तो 0 का मान क्या होगा,
जीरो, ये डिग्री नहीं है सॉरी, जीरो। तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2। साइन 60 का मान क्या होगा, 3/√2। और साइन 90 का मान 1। अब साइन और कोस सारणी में अगर वापस साइन 90 का मान है वही साइन 30 साइन 0 का मान है, साइन 60 का जो मान है वही साइन 30 का मान है, साइन 45 और कोस 45 दोनों सेम है, साइन 60 का मान कोस 30 का मान ये दोनों बराबर है। कैसे कि यहाँ पर कोस 1, फिर वापस कोस 30 का मान साइन 60 के मान के बराबर है, √3/2। साइन 45 और कोस 45 का मान सेम है, 1/√2। फिर कोस 30 का मान सॉरी साइन 30 का मान और कोस 60 का मान सेम है, 1/2। साइन 0 का मान और कोस 90 का मान सेम है, 0। वापस इसी लाइन को आप अगर उल्टा लिख देते हो तो कोस की सारणी बन जाती है और साइन की सारणी मैंने आपको वो बताई है। अब आपको पता होगा कि जो टेन है टेन थीटा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अर्थात मैं लिख देता हूं कि टेन जीरो का मान है वो साइन जीरो डिग्री का और कोस जीरो डिग्री के मान के अनुपात के बराबर होगा, यही है इसका मतलब। तो साइन जीरो का मान क्या है, जीरो, मैं लिख देता हूं ये रहा जीरो, और कोस जीरो का मान ये रहा कोस जीरो का मान एक, मैं ये लिख देता हूं एक। तो जीरो में चाहे किसी का भाग दो या गुणा करो क्या मान आएगा, जीरो। तो टेन जीरो का मान क्या होगा, जीरो। अब टेन तीस का मान देख लेते हैं, तो साइन तीस और कोस तीस, साइन तीस का मान क्या है, 1/2, ये रहा 1/2 अपॉन में कोस तीस का मान √3/2, ये रहा √3/2। बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 1/2 अपॉन 2 √3, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा 1/√3। तो यहां पर मान क्या आएगा, 1/√3। अब वापस इसका मान, अब देखो ये दोनों ही सेम है तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन 45 कोस 45 1/√2 1/√2 दोनों आपस में कैंसिल, पीछे क्या बचा 1। यह नहीं कि कैंसिल करने के बाद 0 कर दो, नहीं, ये भाग है माइनस नहीं है, तो भाग में क्या आता है 1। ठीक है, अब वापस साइन 60 का मान 1/cos 60 का मान, अब साइन 60 का मान क्या है, √3/2 √3/2 और कोस 60 का मान 1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और अंदर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, √3/2 अपॉन 1/2, ये दोनों कैंसिल, पीछे क्या बचा √3/1। अब भाग में चाहे 1 लगाओ या मत लगाओ
एक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक को चाहे मल्टीपल ही करो या एक का किसी में भाग दो, संख्या वो सेम ही आती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अंडर रूट 3। अब देखो साइन 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान है 1 और कोस 90 डिग्री का मान 0। अब बताओ अगर ये सिचुएशन हमारे सामने यहां पर आई थी लेकिन यहां ऊपर 0 था, अब डिवाइड में 0 है, तो मुझे बताओ कि इसमें क्या आएगा आपका? क्या अनंत आएगा? नहीं, अनंत जैसी कोई चीज नहीं होती है मैथमेटिक्स में। वहां पर हम लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। इनडिफाइंड। क्योंकि क्या है कि मैथ में अनंत जैसी कोई चीज नहीं होती है, मैथ में सब कुछ चीज चलती रहती है। हम ये कह सकते हैं कि हम इसको परिभाषा नहीं दे सकते क्योंकि हर चीज की परिभाषा होती है कि एक क्या है, दो क्या है, एक और एक जुड़कर दो होते हैं इसलिए दो है, वैसे इसको हम परिभाषा नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब जो ये 10 की जो ये सारणी बनी है और ये कोट की सारणी है, अब अगर मैं 10 की सारणी को अगर मैं उल्टा कर देता हूं तब कोट की सारणी बन जाएगी। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं? परिभाषित क्यों? क्योंकि कोस सॉरी कोट 0 का मान और टेन 90 का मान दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे 8.3 में, आपको सब कुछ बताएंगे कि ये मान सेम क्यों है और अगला मान क्या है। ये रहा कोट 30 का मान। कोट 30 का मान 10 30 10 60 के बराबर होता है। ये रहा अंडर रूट 3। कोट 30 सॉरी कोट 45 और 10 45 का मान सेम होता है 1। अब वापस कोट 60 का मान 10 30 के मान के बराबर होगा 1/ अंडर रूट 3। और कोट 90 का मान 10 0 के मान के बराबर होगा तो 0। ये आपके पास चार आ गए, साइन के आगे, कोस के आगे, टेन के आगे और कोट के आगे। अब बची है सेक और कोसेक। ये दोनों भी आसान है। कैसे? तो मैंने आपको पहली क्लास में आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर किसी ने नहीं देखी है तो, कि जो कोस है ना उसका उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। उल्टे का मतलब अपोजिट। कि मैंने ये बताया भी था कि साइन थीटा अपॉन 1/ कोसेक थीटा और कोस थीटा इक्वल 1/ सेक थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल 1/ साइन थीटा या फिर सेक थीटा इक्वल 1/ कोस थीटा। ये तो हम सेक का मान निकालते हैं, तो सेक के लिए क्या चाहिए? कोस। अगर मैं एक को उल्टा करूं अर्थात ये ऊपर तो 1 है, नीचे अगर मैं 1 लिखूं कोस 0 का मान, 0 का मान 1 है, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं 1/1 तो क्या आएगा? 1। अगर मैं मान लो 1 के नीचे मैं ये लिखूं √3/2, कोस 30 का मान क्या है? √3/2, क्योंकि हमें सेक 30 का मान निकालना है। तो मैं यहां लिखता हूं √3/2, तो क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा।
डिवाइड में तो क्या आएगा, 2/√3। और फिर इसका मान 45 में, तो 45 में क्या होगा, 1/√2। तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1√2/1। मैंने बताया था नीचे चाहे एक का चाहे भाग दो या गुणा करो, कुछ संख्या में फर्क नहीं आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं √2। अब ये सेम ही है √2 और ये 1/2, तो मैं यहां लिख देता हूं √2। अब ये सिचुएशन आ गई वापस कि ऊपर 1 है नीचे 0 है। ऊपर जरूरी नहीं कि यहां पर 1 ही हो, यहां पर कोई भी नेचुरल संख्या हो सकती है, ठीक है। कोई भी अगर यहां पर संख्या है वो नीचे अगर बट्टे में 0 है तब सब कुछ क्या होगा, अपरिभाषित। तो मैं यहां लिख देता हूं अपरिभाषित। अब जो सेक की लाइन है ना वो कोसेक के साथ है कि कोसेक 0 का मान सेक 90 के बराबर होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब फिर सेक 60 का मान और कोस 30 का मान सेम है, यहां 2/45 का मान सेम होता है, और फिर सेक 30 का मान और कोस 60 का मान, तो यहां आएगा 2/√3 और 1 का मान यहां 1। ये है आपके त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ विशिष्ट मान है ना, कुछ विशिष्ट कोणों के मान है ये, ठीक है। हालांकि जब आप आगे पढ़ेंगे ना 12th के बाद या 12th में, तब आपको 75 के भी मान निकालने पड़ेंगे, 35 के मान भी निकालने पड़ेंगे, 25 के मान भी निकालने पड़ेंगे, तो वो आप आगे पढ़ोगे। अभी नॉर्मल आपके 10th क्लास में बस यही है 0, 30, 45, 60 और 90 के, ठीक है। तो फिर वो आगे के आगे देखेंगे, आप ये नोट कर लो, और आज के क्लास में ये काफी है। आगे पढ़ेंगे हम 8.2, जिसमें इन्हीं कुछ विशिष्ट मानों का उपयोग करके हम उनका उपयोग करके प्रश्नावली को पूरा करेंगे, जिसमें कभी हमें साइन 60 का मान निकालना होगा, साइन 45 का मान निकालना होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चनों को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।